हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जेके स्टडी लोअर्स सो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट नंबर थर्ड फुल लेंथ मॉक है ये जेके के एस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो इससे पहले भी दो मॉक टेस्ट अपलोड हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप अटैम्प्ट कीजिए उनको भी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मॉक टेस्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए सो तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा का आपको तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉक टेस्ट को शेयर करें ताकि हर किसी को ये इसका बेनिफिट मिल सके क्योंकि पेड में तो आपको मिल रहे हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट तो मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट की सीरी है, सीरीज है सीरीज़ है इसको फ्री यूट्यूब पे स्टार्ट किया जाए सो तो आप सबको इससे बेनिफिट मिल सके और आई होप ये सीरीज़ आप सबको काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगी आपके लिए स्टार्ट so करते हैं आज का फुल लेंथ मॉक टेस्ट थर्ड तो सभी के साथ शेयर कीजिए इसको ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सेक्शन ए है हमारी जी के स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा रिसेंटली कमला हैरिस हैज़ बिकम द फोर्टी नाइन्थ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ यू एस ए हर इंसेस्ट्रल विलेज इज़ इन विच इंडियन स्टेट सो so, इसका आंसर कीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर वन का आप वीडियो को लास्ट तक देखें ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है तो आप उसके बाद अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं इसमें से तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए गाइस इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर विच फेमस पर्सनैलिटी ऑप्शन ए है ए जे अब्दुल कलाम बी वीर सावरकर सी प्रणब मुखर्जी डी अटल बिहारी वाजपेयी सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर टू का सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर बी वीर सावरकर इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड दी गेलवान रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सो गाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है तो आप जॉइन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए तो वहाँ से आपको इस मॉक टेस्ट की पी डी एफ मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा दी गेलवान रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए नूबरा रिवर बी शेय रिवर सी चनाब रिवर डी तवी रिवर सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी श्योक रिविर इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयस इज़ ए पार्ट ऑफ ए ग्रेटर हिमालयस बी लसर हिमालयस सी शिवालिक रेंज डी ट्रांस हिमालयस। सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर का आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है लसर हिमालयस नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन ऑप्शन ए जम्मू बी मनाली सी श्रीनगर डी शिमला इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर फाइव का तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इन विच स्टेट इज़ शिखर पीक लोकेटेड ए सिक्किम बी राजस्थान सी अरुणाचल प्रदेश डी गुजरात क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कीजिए सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राजस्थान गुरुशेखर जो है ये है राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर से विंसन मैसिव पीक इज ऑन विच कॉन्टिनेंट इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन का ए यूरोप बी एंटार्टिका सी ऑस्ट्रेलिया डी साउथ अमेरिका सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एंटार्टिका इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट माइस्ट्रो गुरु ऑफ कथाकली चिमन पास्ट अवे कथाकली इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट आपने बताना है जो कथाकली है क्लासिकल डांस फॉर्म ये कौन सी स्टेट का है ऑप्शन ए है तमिलनाडु बी गुजरात सी केरला डी आंध्र प्रदेश सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी केरला इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन गांधी में डाई बट गांधीजम विल नेवर फॉर एवर इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी सैड दिस इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन का क्वेश्चन नंबर नाइन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कराची नाइनटीन थर्टी वन में जो ये सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सो इसका आंसर कीजिएगा इस ऑप्शन है ए ओ ह्यूम बी हेनरी कॉटन सी जॉर्ज यूल डी एनी बसंत सो क्वेश्चन नंबर टेन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये थे फर्स्ट प्रेजिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंग्लिश प्रेजिडेंट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन रानी की वाव एन एंशंट आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर अलेवन का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह आपने बताना है ये कौन सी स्टेट में है तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज़ वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इसका आंसर कीजिए ए फोर्थ बी थर्ड सी सेकेंड डी फिफ्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस दी हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज बाई विच ईयर इसका आंसर कीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर सो so इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच स्टेट हैज़ हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज़ पर ट्वेंटी एलेवन इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सो so, इसके ऑप्शन है ए नागालैंड पी अरुणाचल प्रदेश सी मिजोरम, टी हरियाणा सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हमारे पास इसके ऑप्शन है ए गंगा बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी टी कोसी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून ये बताना है आपने तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के हमारे पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर बी अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड सी पुडुचेरी डी लक्षद्वीप सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन so, का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दी मौन्थ ऑफ अक्टूबर एंड नवम्बर सो so, इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का सो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का हमारे पास करेक्ट आंसर है कॉनमंडल कास्ट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच अमो द फॉलोइंग ईयर क्वेश्चन नंबर एटीन है सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इंटरनेशनल सोलर अलाइंस इज हेड क्वार्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिज ऑप्शन ए लंदन बी गुरुग्राम सी इंग्लैंड डी बेंगलोर सो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम इसका कुरेक्ट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच अमोंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ग्लोरियस पीरियड ऑफ एंशंट कश्मीर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर कीजिए तो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास काराकोटा पीरियड जो था ग्लोरियस पीरियड था एंशंट कश्मीर का नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पूर्वमंडल टेम्पल आल्सो नोन एज छोटा काशी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर ट्वेंटी वन के हमारे पास ऑप्शन है देविका तवी चनाब रावी सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देविका नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अंडर विच सेक्शन क्वालिफिकेशन ऑफ मेम्बरशिप ऑफ लेजि असेंबली इज मशनड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर कीजिएगा इस सेक्शन फोटीन सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन सेवनटीन सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का ऑप्शन नंबर सी सेक्शन सिक्सटीन इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन सिक्सटीन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इन विच ईयर मानसार एंड सुरिंदसार लेक वर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट सो इसका आंसर कीजिए ट्वेंटी थर्ड का सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी टू हंड्रेड फाइव नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू थाउजेंड फाइव इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर संजीव सिंगला इज इंडियाज़ एम्बेसडर टू विच कंट्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का आंसर कीजिए ए जापान बी इसराइल सी चाइना डी स्विट्जरलैंड सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का ऑप्शन नंबर बी इसराइल इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव नोटंकी इज द फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ इसका आंसर कीजिए गाइस सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है अभी तक हमारे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हुए हैं आई होप आपका काफ़ी अच्छा स्कोर चल रहा होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर कीजिए गाइस सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बत्रा यही प्रेजिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑन मेरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर प्रेजेंट इन इंडिया ट्वेंटी सेवन 2020, in 27 का आंसर कीजिएगा तो इसका आंसर है हमारे पास थर्टी एट करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर लोकेटेड ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ बागीरथी एंड अलाक इज़ इसका आंसर कीजिए ट्वेंटी एट का हरिद्वार देव प्रयाग विष्णु प्रयाग गौरी प्रयाग सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी देव प्रयाग इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द इंट्रोडक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इन द ईयर ऑफ सो इसका आंसर कीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी सिक्सटीन में ये किया गया था तो जी के का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम वास इसका आंसर कीजिए गाइज ऑप्शन ए है जिंदा कोल बी मा, लाल माल सी गुलाल शाह डी दी, नन ऑफ तीज सो इसका करेक्ट आंसर है पास ऑप्शन नंबर ए जिंदा कोल सो गाइज ये थी जीके की सेक्शन तो आई होप आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा इसमें से अगर आपने ट्वेंटी प्लस किए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है आपका तो नेक्स्ट अब हमारी जो सेक्शन है वो है सेक्शन जनरल इंग्लिश की तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन को क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट से फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन ही हैज़ बीन ऑन वेल डैश सैटरडे इसका आंसर कीजिए ए ऑन बी इन सी सिंस डी फ्रॉम सो so, इसका आंसर है हमारे पास आई होप आपने कर लिया होगा सो so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंस ही हैज़ बीन अनवेल सिंस सैटरडे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फिल इन ब्लैंक विद करेक्ट टेंस फॉर्म सो इसका आंसर कीजिए माई वाच डैश एट नाइन ओ क्लाक बट नाउ इट डैश सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी माई वॉच वाज रनिंग एट नाइन ओ क्लाक बट नाउ इट हैज़ स्टॉप्ड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी लेटर माइन दी बोल्ड क्लास इन दी गिवन सेंटेंस सो इस क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का आंसर कीजिएगा इस विच वन इज दी पर्सन हु स्टोर योर कार ए नॉन क्लास बी एडजेक्टिव क्लास सी एडवर्ब क्लास डी बोथ ए एंड बी सो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडज क्लास नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आउट ऑफ फोर ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस एट लेंथ अबाउट इन होवर लेटर वी सो ये हमारे पास एक्स वाई जेड एट लेंथ अबाउट इन लेटर वी स्पाइड ए लिटिल पाइल ऑफ होवर विंग दिस वॉज ड्रैग ओवर सेल्स आउट ऑफ द प्लेन एंड टू सो इसका आपने बनाना है लॉजिकल ऑर्डर में बनाना है ऑप्शन है एक्स वाई जेड बी है जेड वाई एक्स सी है वाई एक्स जेड डी है जेड एक्स वाई सो इसका करेक्ट आंसर है आप वीडियो को पॉज कर लें उसके बाद इसका ऑर्डर बना लें सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई जेड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव की तरफ आई एम नॉट डैश वेज अर्नर आई एम डैश सेल्फ एम्प्लॉयड सो थर्टी फाइव का आंसर कीजिएगा इस सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आई एम नॉट ए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स प्लांट्स डैश है हमारे पास मस्ट प्लॉट मस्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रिपोजिशन ही ब्रोक द जग डैश हंड्रेड पीसीस सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का थर्टी सेवन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इन टू ही ब्रोक दग इन टू हंड्रेड पीसेज नेक्स्ट चलते हैं ही वॉज स्लीपिंग डैश टू मीट हर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ऑप्शन है इनके वेर आई वेंट वेन आई गो वेन आई वेंट वेयर एवर आई वेंट सो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैन आई वेंट उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन राहुल सेट आई विल डू इट नाउ आर नेवर सो इसका आंसर कीजिएगा इस ऑप्शन ए है राहुल सैड दैट ही विल डू इट नाउ आर नेवर राहुल सैड दैट ही विल नाउ नेवर डू इट राहुल सैड दैट ही वुड डू इट दैन आर राहुल सैड दैट ही वुड नाउ आर नेवर डू इट सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास थर्टी नाइन का ऑप्शन नंबर सी राहुल सैड दैट ही वुड डू इट देन आर नेवर राहुल सैड दैट ही वुड डू इट देन आर नेवर नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी चूज दी अप्रोप्रियट सैनोनियम इसका बताना है आपका आपने मॉडेंट का सो so इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बीटर इसका कुरेक्ट आंसर है तो यह थी गाइस जर्नल इंग्लिस की इंग्लिश की सेक्शन तो आई होप आपका अच्छा स्कोर रहा होगा इसमें तो नेक्स्ट है हमारे पास आप सेक्शन सी स्टैटिस्टिक्स की सो so स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स के सेक्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन से इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी डाटा सो इसका आंसर कीजिए गाइस वीडियो को पॉज कर लें टेन सेकेंड है आपके पास आप आंसर कीजिए उसके बाद अपना आंसर मिलाइए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चनरी फील्ड बाई इन्योमरेटर इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी डाटा कैन हेल्प टू इसका ऑप्शन है क्रिएट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, बी टू डिसाइड लास्ट पॉपुलेशन सी टू नो लास्ट ऑब्जर्वेशन, डी नॉन ऑफ़ दी अबोव सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर एक क्रिएट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी डाटा कैन हेल्प टू नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनरी फोर्टी थ्री के ऑप्शन है हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन सी बोथ ए एंड बी डी इम्पॉर्टेंट एंडेड क्वेश्चन सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है हमने बताना है इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनरीज तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट एंडिड क्वेश्चन ये नहीं है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर वट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेब्यूलेशन ए है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन ए मिनिमम स्पेस बी टू डिटेक्ट एरर इन द फैक्ट्स सी टू फैसिलिटेट स्टेटिस्टिकल प्रोसेसिंग डी ऑल ऑफ़ दी अबव सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर आर प्रिपेयर टू सो so, इसका ऑप्शन है मेजर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स मेजर द चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स या डी है नन ऑफ दिस सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेजर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वट इज़ जी एफ आर इन वाइटल स्टेटिस्टिक्स सो इसका आंसर कीजिए ऑप्शन ए है गवर्नमेंट फोर्स रेट बी है गर्मेंट फर्टिलिटी रेट सी जनरल फर्टिलिटी रेट डी है जनरल फूड रेट्स सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जनरल फर्टिलिटी रेट जी एफ आर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की तरफ विच अमोंग द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डाटा वैल्यू सो इसका हमारे पास ऑप्शन है ए मीन पी मोड सी मीडियन डी स्टैंडर्ड डेविएशन सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोड इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट हिस्टोरिकली फर्स्ट इंडेक्सड वॉज कंस्ट्रक्टेड इन तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सेवनटीन सिक्सटी फोर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन जनरल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर थाउजेंड वुमेन एज्ड फिफ्टीन टू फोर्टी थ्री फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव फिफ्टीन टू फोर्टी फोर डी फोर्टीन टू फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का हमारे पास करेक्ट आंसर है फिफ्टीन टू फोर्टी फोर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं स्टेटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द प्राइस इंडेक्स दैट यूज बेस ईयर क्वान्टिटीज एज वेट्स इज कॉल्ड तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर कीजिए गाइज इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ड इंडेक्स इसका करेक्ट आंसर है तो ये थी गाइस स्टैटिस्टिक्स की सेक्शन आई होप अच्छी रही होगी आपकी चलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन डी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से इन जर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड ए सेम डे बी नेक्स्ट डे सी वंस इन ए वीक डी वंस इन ए मंथ सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सेम डे करते हैं हम जर्नल में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ए बैंक रिकनसी स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर ए है टू मिनिमाइज द रिस्क टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू मैक्सीमाइज दी ओनर्स हेल्थ टू रेज प्रॉफिट सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टू मैक्माइज दी ओनर्स काेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं दी प्रोसेस ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल इज कार्ड सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ये तो आप सबको पता ही होगा जर्नलाइजिंग बोलते हैं इसको नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव पी एफ एम एस इज एन तो इसका आंसर कीजिए गाइस ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म बी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ट्रैकिंग मैकेनिज्म सी इनएक्टिव फंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म डी तो नन ऑफ दिस तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक फंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म तो पी एफ एम एस की फुल फॉर्म है हमारे पास पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म कैन बी डिफाइंड एज द मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड इट्स एक्टिविटीज़ ऑन सोसाइटिज़ सो इसका ऑप्शन है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटिंग पी सोशल ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स सी सोशल अकाउंटिंग डी नन ऑफ द अबो सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोशल अकाउंटिंग इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग पॉइंट इज एन इसेंशियल ऑफ एन अकाउंटिंग वचर, इसका आंसर कीजिए ए है डाटा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बी सीरियल नंबर ऑफ वचर सी बोथ एंड बी डी नन ऑफ दी अबो सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का हमारे पास करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी डाटा ऑफ ट्रांजेक्शन सीरियल नंबर ऑफ वोचर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट कैश बुक इज़ दी ओनली बुक विच सर्वज द ड्यूअल पर्पज़ ऑफ द क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट का आंसर कीजिए ए जर्नल एंड लेजर बी लेजर एंड प्रॉफिट एंड लॉस सी जर्नल एंड प्रॉफिट एंड लॉस डी नन ऑफ दी अबो सो इसका करेक्ट आंसर है जर्नल एंड लेजर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉन एस सो इसका आंसर कीजिए ए स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन बी स्टेटमेंट ऑफ इनकम सी स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स डी ऑल ऑफ़ दी अबो तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट ऑफ इनकम करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अकाउंटिंग कंसेप्ट वर्क ऑन दी बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन ए अजम्पन बी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डी ऑल ऑफ दी अबव सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है अभी तक सिक्सटी क्वेश्चन हुए हैं तो गायजा आप मिलाइए आपके कितने करेक्ट हुए हैं सिक्सटी में से तो फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए कि आपने इस मॉक टेस्ट में कितने करेक्ट किए हैं सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन बाई वे ऑफ क्लोजिंग एंट्री ऑल द बिजनेस बैलेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसिस आर ट्रांसफर टू ऑप्शन ए है ट्रेडिंग अकाउंट बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सी लेजर डी बैलेंस शीट सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिंग अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी लज्जरीज का करेक्ट आंसर है चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज डिड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसज एक्सेप्ट इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का ए अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंज्शन बी नेचुरल गैस सी टोबैको डी बोथ ए एंड बी सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का हमारे पास आंसर है बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सब्ज्यूम्ड बाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका आंसर कीजिए ए लक्शरी टैक्स बी टैक्सिस ऑन एडवर्टाइजमेंट सी एंट्री टैक्स डी ऑल ऑफ द अबो सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ़ दी अबो इसका कुरक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव सेल्स बजट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम सो इसका आंसर कीजिएगा इस ए फिजिकल बजट बी कॉस्ट बजट सी प्रॉफिट बजट डी फाइनेंशियल बजट सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव का हमारे पास करेक्ट आंसर है प्रॉफिट बजट इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स अंडर विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग ऑल कास्ट वेरिएबल एंड फिक्सड आर चार्ज टू बी टू द प्रोडक्ट ए एब्जॉर्बेशन कॉस्टिंग बी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सी डायरेक्ट कॉस्टिंग डी मार्जिनल कॉस्टिंग सो सिक्सटी सिक्स का हमारे पास करेक्ट आंसर है एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इफ़ क्लासीफाइज बाई फंक्शंस सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट असैट्स आर ऑलवेज इक्वल टू सो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी नेक्स्ट so, है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज सो इसका आंसर कीजिए गाइस ऑप्शन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी बैलेंस शीट सी ट्रायल बैलेंस डी ऑल ऑफ द अबो सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सिक्सटी नाइन का ऑप्शन नंबर सी ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुका पिक्योली नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग असेट्स गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन का आंसर कीजिए गाइज ए रिसिप्ट पी प्रॉफिट सी इनकम डी केन सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिसिप्ट इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटी टू अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर विच कुड नॉट बी रिकवर्ड एंड रिक्वायर्स टू बी रिटर्न ऑफ इट्स इज बुकड इन टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू का आंसर कीजिए ए बैड डेट रिकॉर्ड अकाउंट बी कैश विदड्रॉल सी गुड्स विदड्रॉल सी बैड डेट अकाउंट सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टी बैड डेट्स अकाउंट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री का हमारे पास करेक्ट आंसर है ओवर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो मेनी टैक्स स्लैब्स आर देर सेवेंटी फोर का आंसर कीजिए गाइस ए फोर बी फाइव सी टू डी सिक्स सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी फाइव नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव जी एस टी इज़ इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन फर्स्ट जुलाई आपने ईयर बताना है ट्वेंटी सिक्सटीन ट्वेंटी थर्टीन ट्वेंटी सेवनटीन ट्वेंटी फिफ्टीन सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सेवेंटीन इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स एन्वायरमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज अप्लाइड ऑन सो इसका आंसर कीजिए गाइस ए सीमेंट इंडस्ट्री बी स्टील इंडस्ट्री सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डी ऑल ऑफ दी अबो सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सपेंसिज आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट सो इसका आंसर कीजिएगा इस ए कैरेज इन्वर्ट बी वेजिस सी परचेजिज डी ऑल ऑफ द अबो सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबो इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट मंथली रेंट पेड बाई एन एंटीटी शुड बी आपने बताना है इसकी ए डेप्टी टू कैश अकाउंट पी क्रेडिट टू कैश अकाउंट सी डेप्टी टू कैपिटल अकाउंट डी क्रेडिट टू रेंट अकाउंट सो सेवेंटी एट का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट टू कैश अकाउंट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन विच आफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज दी ऑस्टेंसिबल पार्टनर ए डॉर्मेंट पार्टनर बी नोमिनल पार्टनर सी माइनर पार्टनर डी एक्टिव पार्टनर सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्टिव पार्टनर इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंसिज आर नोन एज सो ये लास्ट क्वेश्चन है अकाउंटेंसी का सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कैपिटलाइज कॉस्ट सो ये थी अकाउंटिंग की सेक्शन थर्टी मार्क्स की तो आई होप आपका इसमें भी अच्छा स्कोर रहा होगा तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे जो है हमारी कंप्यूटर नॉलेज तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की सेक्शन क्वेश्चन नंबर एटी वन है हमारे पास ए डैश स्लाइटली चेंजेस इट्स ओन सोर्स कोड ईच टाइम इट कॉपीज इट्स टू अवॉइड डिटेक्शन फ्रॉम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सो ऑप्शन ए है मैक्रो वायरस बी पॉलीमार्फिक वायरस सी बूट सेक्टर वायरस डी नन ऑफ दीज सो क्वेश्चन नंबर एटी वन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉलीमॉर्फिक वायरस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी टू डैश इज कंसिडर्ड एज द फोर रनर ऑफ इंटरनेट सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आरपनेट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी थ्री कंप्यूटर एन ओपन हार्डवेयर हैंड हेल्ड कंप्यूटर रन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा इस सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी डेनक्स इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर इन एम एस 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 डैश इज ए डाटा बेस ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट ए यूजर इंटरफेस फॉर ए डाटा बेस एप्प्लीकेशन सो इसका आंसर कीजिएगा इस ऑप्शन है फॉर्म बी क्वेरीज सी रिपोर्ट्स टी टेबल्स सो क्वेश्चन नंबर एटी फोर का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर्म नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज ओनली एज इन इनपुट डिवाइस सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पैड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स वट इज़ फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एफ नाइन इन एम एस एक्सल सो इसका आंसर कीजिए गाइस ए मिनिमाइज दर्क बुक विंडो बी कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट्स सी स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू डी इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स का मिनिमाइज दी वर्क बुक विंडो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एटी सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स सो क्वेश्चन नंबर एटी सेवन का आंसर कीजिए गाइस ए मॉडम बी रिपीटर सी गेट वे डी ब्रिज सो क्वेश्चन नंबर एटी सेवन का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेट वे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटी एट

क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है विच अमोंग द फॉलोइंग वॉज कंप्यूटर वायरस सो इसका आंसर कीजिए गाइज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्रीपर इसका करेक्ट आंसर है तो ये थी गाइस कंप्यूटर की सेक्शन सो आई होप आपकी अच्छी रही होगी ये भी तो नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन हमारी जो है जर्नल साइंस पर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वन से स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड ए स्पीड बी विलास्टी सी एक्सेलरेशन टी डिसरेशन सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी विलास्टी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिक्रीज दी फॉलोइंग सो इसका आंसर कीजिए गाइस। ए एनर्जी बी वर्क सी एनर्शिया डी मोमेंट ऑफ एनर्शिया सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी एनर्शिया इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द नेचर ऑफ साउंड इन गैसेज इज़ ए ट्रांसफर्स बी लॉन्गिट्यूडनल सी स्टेशनरी डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री का ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कम्बस्टिबल इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर का ए ऑक्सीजन बी नाइट्रोजन सी हाइड्रोजन डी सिलिकॉन सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्ड इन साइड द इलेक्ट्रिक बल्ब सो इसका आंसर कीजिए गाइस ए निय बी हाइड्रोजन सी एयर डी नन ऑफ दिस सो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नियॉन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विग्योरसी इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स का सो so इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सोडियम इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग मूव वाटर एंड मिनरल्स इन द्लाट ऑब फ्रॉम दॉइल क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन का आंसर कीजिएगा इस ए फ्लियोम बी जॉलम सी ट्रांसपेरेशन सेल सी सेलुलर वैक्यूल्स सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन का ऑप्शन नंबर बी जयलम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फासिल फ्यूल्स एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट का आंसर कीजिएगा इस so, सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी चारकोल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन विच मेटल कैन मेल्ट इवन इन ओवर हैंड इसका आंसर कीजिएगा इस ए गैलीम

जनरल इकोनॉमिक्स पे करते हैं स्टार्ट इसको क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड वन से इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी द रिसोर्स प्रोडक्शन आर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल इसका आंसर कीजिए गाइस ऑप्शन ए है फिक्सड इकोनॉमी बी है ओपन इकोनॉमी सी है क्लोज इकोनॉमी डी है कमांड इकोनॉमी आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी कमांड इकोनॉमी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टू पर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर द डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स बिल हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए है मूव फॉरवर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट राइट वर्ड मूव डाउनवर्ड जब इंक्रीज होगी इनकम किसकी कंज्यूमर की सो so, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट राइट वर्ड इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सो so, नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थ्री पे डैश इकोनॉमिक स्टेट्स वट इज एंड नॉट बट शुड बी इसका आंसर कीजिएगा इस ऑप्शन ए है पॉजिटिव बी नॉर्मेटिव सी मॉडर्न डी नन ऑफ दीज सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेट्स वट इज एंड वट शुड बी नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर वट इज़ द अदर नेम ऑफ फिजिकल पॉलिसी ए डेफिजिट फाइनेंसिंग बी मॉनेटरी पॉलिसी सी बैंक रेट पॉलिसी डी रेवेन्यू पॉलिसी सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी रेवेन्यू पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन वन हंड्रेड फाइव द रेट एट विच बैंक लेंड टू आर बी आई इज नोन एज ऑप्शन ए है बैंक रेट बी रेपो रेट सी रिवर्स रेपो रेट डी इंटरेस्ट रेट सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रिवर्स रेपो रेट नेक्स्ट चलते हैं गाइस ये रिलेट किया गया है करंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्स रिसेंटली आर बी हैज़ ऑब्जर्व इट्स एटी सिक्स फाउंडेशन ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने बताना है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सी डी देश मुख्य इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवन लक्शरी गुड्स हैव डैश डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ए हाई बी लो सी मॉडरेट डी नन सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हाई इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एट द फिलिप्स कर्व शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड वट ए द बैलेंस ऑफ ट्रेड बी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनमी सी द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजिज डी अनएम्प्लॉयमेंट सो क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एट का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनएम्प्लॉयमेंट फिलिप्स फिलिप्स कर्व जो बताता है हमें रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइन द इनकम डिमांड्स कर फॉर इन्फीरियर कमोडिटी ऑलवेज स्लोप्स सो इसका आंसर कीजिए गाइस सो so इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बैकवर्ड इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन ये लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का आज सो so मैथ की सेक्शन नहीं लाई हमने तो अगर मैथ की सेक्शन भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता बता सकते हैं वो आपके लिए अलग से हम उस पर एम सी क्यू चलाएँगे सो so, आज का स्मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन द रिकार्डियन थ्यूरी ऑफ रेंट इज़ अल्टरनेटिवली नोन एज द डैश थ्यूरी ऑफ रेंट ए डिमिनिशिंग बी डिस्क्रिपनरी सी पार्शियल डी डिफरेंशियल इसका आंसर कीजिए गाइज सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डिफरेंशियल सो गाइज ये था आज का मॉक टेस्ट आई होप आप सबको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो so, आपको लेटेस्ट जो वॉक टेस्ट मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस जो कि चलती रहे सो so, अभी तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन हो गया है अभी फोर्थ फोर फाइव मंथ्स बाकी हैं उसमें तो आई होप ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तो आज के लिए रखते हैं इतना ही गाइस थैंक यू अ नाइस डे